बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर बायोलॉजी के गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। बेटा, ये वीडियो स्पेशली एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर की गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसका फायदा आपको ये हो जाएगा कि हमारी आने वाली तमाम वीडियो अपडेट आपको बआसानी मिल जाएंगी। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास जो है 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जी बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज, नीचे इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सेकंड एमसीक्यूज, उसके बाद ये हमारे पास थर्ड वन है, ये इसके चारों ए बी सी और डी चारों ऑप्शन भी दिए हुए हैं बेटा। उसके बाद फोर्थ वाला एमसीक्यूज हमारे पास और इसके चारों आंसर भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है और ये इसके चारों आंसर्स हैं, इसमें अमोनिया इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा सिक्स वन, ये उसके चारों ऑप्शंस हैं। तो बेटा, ये चैप्टर नंबर 15 के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा। ये मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। जिन बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं मिली बेटा, वो यहाँ से इनको भी प्रिपेयर कर लें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 4 हैं इस चैप्टर के, ये भी बेटा मैं लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद अगर चले हम चैप्टर नंबर 16 की तरफ, चैप्टर नंबर 16 जिसका नेम है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, बेटा इसके हमारे पास जो है फर्स्ट वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, उसके चारों ऑप्शंस हैं। बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी कोशिश आपने करनी है। मैंने आपके साथ बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो शेयर कर दिए हैं, अब इनके आंसर्स आपने बेटा खुद ढूंढने हैं। जब आप इनके आंसर ढूंढेंगे तो साथ ही बेटा ये आपको तैयार भी हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाले के बेटा ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने ये ढूंढना है कि करेक्ट वन कौन सा है। उसके बाद फोर्थ वन, ये उसके चार आंसर्स हैं। फिफ्थ वन बेटा, उसके भी चारों आंसर्स दिए हुए हैं। उसके बाद ये छठा एमसीक्यूज, उसके भी चारों आंसर्स हैं, इनमें से करेक्ट वन आपने ढूंढ लेना है बेटा। सेवन वाला एमसीक्यूज, एट वाला बेटा, उसके बाद नाइन वाला, टेन वाला। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 16 के हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो 10 हैं, इनको अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो चैनल पे जो है वो मैंने पहले शेयर की हुई है, आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी पहले शेयर किए हुए हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 17 की तरफ चलें जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला अनरविजा, ये फर्स्ट एमसीक्यूज है, चारों ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, आपने करेक्ट वन ढूंढने हैं। और ये इसका सेकंड वाला एमसीक्यूज बेटा, इसके दो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके बाद इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 17 के बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये बेटा मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 की तरफ चलें जिसका नेम रिप्रोडक्शन है। तो इसका फर्स्ट वाला बेटा एमसीक्यूज, सेकंड वाला एमसीक्यूज, उसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यूज, उसके बाद फोर्थ वाला एमसीक्यूज, ये बेटा इसके चैप्टर नंबर 18 के चार मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आप लोगों के साथ पहले शेयर किए हुए हैं, अगेन कर रहा हूँ बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन है, दो हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 19 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 19 का नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बेटा फर्स्ट वाला एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, सेकंड वाला एमसीक्यूज, इसके सिर्फ दो ही एमसीक्यूज हैं बेटा चैप्टर नंबर 19 के, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सेवन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 20 की क्रोमोसोम्स एंड डीएनए,
इसमें बेटा हमारे पास फर्स्ट वाला एमसीक्यूज, उसके बाद सेकंड वाला एमसीक्यूज बेटा, इसके ऑप्शन भी हैं थर्ड वाला और फोर्थ वाला। जी बेटा इस चैप्टर के सिर्फ चार मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद इस चैप्टर के बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। जी बेटा इसका फर्स्ट वाला एमसीक्यूज, सेकंड वाला एमसीक्यूज, उसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यूज। थर्ड वाले के बेटा ये ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इस चैप्टर के बेटा हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो सिर्फ तीन हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। जी बेटा आगे चैप्टर नंबर 22 की तरफ चले, जिसका नेम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो बेटा इसका पहले वाला एमसीक्यूज, उसके बाद इसका सेकंड वाला एमसीक्यूज, थर्ड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बेटा इसका, उसके बाद फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, उसके बाद सिक्स वन जो है जिगजैग वाला जो है, उसके बाद सेवन, उसके बाद एट, नाइन। ये बेटा इस चैप्टर के टोटल नौ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये बेटा मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किए हुए हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये पांच, ये भी शेयर किए हुए हैं। आगे चैप्टर नंबर 23 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा इसका फर्स्ट वाला एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सेकंड वाला एमसीक्यूज, उसके बाद आगे चलें ये थर्ड वाला एमसीक्यूज है इसका, फोर्थ वन है ये बेटा हमारे पास, उसके बाद ये फिफ्थ वाला, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग यहाँ से, उसके बाद बेटा ये सिक्स वन है इसका। ये बेटा इस चैप्टर के छह मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी वाले के। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, चार मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चार ही बेटा इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं। उसके बाद बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 24 की तरफ चले हैं, वैल्यूएशन की तरफ, तो बेटा इसका फर्स्ट वाला एमसीक्यूज स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, सेकंड वाला एमसीक्यूज, थर्ड वाला एमसीक्यूज और फोर्थ वन। जी बेटा इस चैप्टर के ओनली फोर एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बेटा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये पहले मैंने आप लोगों के साथ 12 पे 12 डिस्कस किए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है तीन, वो भी डिस्कस किए हुए हैं। आगे बेटा चैप्टर नंबर 25 की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 25 जिसका नेम है इकोसिस्टम। तो बेटा इसका फर्स्ट वाला एमसीक्यूज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ये इसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं चारों। सेकंड वाला एमसीक्यूज बेटा सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वाला, उसके बाद थर्ड वाला व्हेन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जी बेटा इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा ये नहीं कि बेटा सिर्फ ये ही करने हैं, इसके अलावा आप दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 25 के, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर नंबर 26 की तरफ चलें, सम मेजर इकोसिस्टम्स, फर्स्ट वाला एमसीक्यूज इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम वाला, सेकंड वाला बेटा इसके दो ही एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 27 है उसको देख लेते हैं, जिसका नेम है मैन एंड हिज एनवायरमेंट। बेटा इस चैप्टर का कोई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, इस चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा बेटा,
उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये पहले ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी बेटा डिस्कस किए हुए हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेकंड ईयर बायोलॉजी के बेटा गेस्ट पेपर थे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ सारे के सारे डिस्कस कर लिए। बेटा इन गेस्ट पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह 100% आपका पेपर बेटा सॉल्व हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं बेटा, जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।